सफलता पाने के लिए जिद करना पड़ता है। ये कहते हैं ना कि ठान लो तो जीत होगी, मान लो तो हार होगी। दोस्तों जिद करना पड़ेगा, अनुशासित होकर नियमित रूप से निरंतर परिश्रम करते रहना होगा। दोस्तों जिद हो तो माउंटेन मैन दशरथ मांझी के जैसा। माउंटेन मैन दशरथ मांझी ने क्या किया था दोस्तों, 21 वर्षों तक, 5 वर्ष, 10 वर्ष, 15 वर्षों तक नहीं दोस्तों, 21 वर्षों तक उसने मेहनत परिश्रम किया और पहाड़ को काट कर रहा। वैसा संकल्प होना चाहिए दोस्तों, वैसी समर्पण होनी चाहिए, वैसी समर्पण होनी चाहिए दोस्तों। उसे महसूस करिए और उसके जैसा मेहनत कीजिए। कोई भी काम छोटा नहीं होता है दोस्तों। उसने तो पहाड़ काट करके अपना नाम कर दिया दोस्तों, तो आप क्यों नहीं कर सकते हो। कोई काम छोटा नहीं होता दोस्तों, उसमें आपकी लगन कितनी है ये मेन मैटर है दोस्तों, ये मेन मैटर है। आपका लगन के साथ जिस काम में आपका लगन है दोस्तों, वही काम करो, लेकिन उसी में दिन रात एक करके करो, एक करके करो। अपने काम में, अपने धुन में लगे रहो। आप ये मत सोचो कि मेरी सफलता क्या होगी, उम्मीद करने लग जाते हो। आप तो एक साल, दो साल, चार साल नहीं करते, बल्कि दो से चार साल में ही आप उम्मीद तोड़ने लग जाते हो। अपने पे अगर विश्वास है दोस्तों तो धैर्य रखो, असीम धैर्य रखो, असीम धैर्य रखो और निरंतर मेहनत करते रहो दोस्तों। रुको मत, एक क्षण भी रुको नहीं दोस्तों। नियमित रूप से लगे रहो, सफलता मिलकर रहेगी, सफलता आपकी होगी। सफलता के लिए जिद करना पड़ता है दोस्तों। इतनी आसानी से अगर सफलता मिलती तो सारी दुनिया सफल कहलाता। सफलता की वैल्यू ही नहीं होती दोस्तों। सफलता के लिए जगना पड़ता है, तपना पड़ता है, उसके लिए भूख प्यास सब त्याग कर लगना पड़ता है दोस्तों। इतनी आसानी से सफलता नहीं मिलती है ना दोस्तों। ओके, थैंक्स।